बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, अपनी भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। क्या लिखा पहली लाइनों में? हेलो महाराणा राहा, महाराणा प्रताप शिवाजी वन में धक्के खाए, हकीकत जमे धर्म पे तनक टहल ना पाए, तनक टहल ना पाए। हर चलिया वाले पाद के अंदर कितने वीर खपाए, खपाए जोरावर और फतेह सिंह दी वारों में छिनवाए, दीवारों में छिनवाए। इस देश में वीरों ने तो अपना बलिदान दिया ही है, लेकिन हमारी वीरांगना भी पीछे नहीं रही। एक वो वीरांगना थी जिसने मर्दों की तरह लड़कर अपनी जान दे दी इस देश के लिए, कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी। इस देश में ऐसी ऐसी पतिव्रता हुई, ऐसी ऐसी सती स्त्री हुई, जिनके कारण आज इस भारत देश का सर गर्व से ऊंचा किया जाता है। कुछ दिन पहले की घटना है, एक फिल्म रिलीज हुई पद्मावती। हमारे नौजवानों ने, हमारे श्रोताओं ने मुद्दा भी उठाया उस फिल्म पे, टिप्पणी भी की उस फिल्म के कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, जो इसमें रानी पद्मावती को दिखाया गया है वो असली रोल नहीं है उनका। आपने किसी भी इतिहास में, किसी भी किताब में ये सुना है कि रानी पद्मावती नाच कर गई है? सुना है किसी ने? नहीं सुना। थोड़ी सी बात बताती चलती हूँ, अच्छी लगे तो उस छत्रानी पद्मावती के लिए तालियां चाहूंगी। बताया प्रेमी श्रोताओं, चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती। राणा रतन सिंह का मित्र था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सुना कि जो भी पद्मावती को देखता है वो उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि पद्मावती बहुत खूबसूरत है। राणा रतन सिंह से जिद करने लगा कि यार मैं तेरी पत्नी के दर्शन करना चाहता हूँ, वो मेरी भाभी है, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ। राणा रतन सिंह ने इनकार कर दिया और कहने लगे अगर तू ज्यादा ही जिद करता है तो मैं अपनी पत्नी पद्मावती से पूछूंगा। राणा रतन सिंह अपनी पत्नी पद्मावती के
पहुंचे और कहा कि पद्मावती, वो अलाउद्दीन खिलजी तेरा चेहरा देखना चाहता है, क्या तू अपना उस चेहरा उसको दिखाएगी? न्यू कह दिया कि महाराज मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं एक पतिव्रता स्त्री किसी गैर पुरुष का ना तो चेहरा देखती और ना ही अपना चेहरा किसी को दिखाती। अगर वो मेरा चेहरा देखना चाहता है तो पीछे शीशे के सामने मैं बैठ जाऊंगी और पीछे से आके वो खिलजी मेरा चेहरा देख लेगा। ऐसा ही हुआ प्रेमी श्रोताओं, अलाउद्दीन खिलजी ने पीछे से आकर चेहरा देख लिया शीशे में को और दीवाना हो गया, चक्कर खा के गिर गया, क्योंकि वास्तव में बहुत खूबसूरत थी रानी पद्मावती। दिल्ली पहुंचा, अपने यहां राणा रतन सिंह को बुलाया और धोखे से बुलाकर बंदी बनाकर कैद में डाल दिया राणा रतन सिंह को। पद्मावती के पास चिट्ठी लिखवा दी कि या तो युद्ध करके अपने पति को छुड़ा ले, अगर युद्ध करना बस की नहीं है तो अपना डोला लेकर मेरे यहाँ पे आ जा, मेरी बेगम बन के रहे। प्रेमी श्रोताओं, छत्रानी थी खून खोल गया और कहने लगी मैं युद्ध करूंगी, मैं बचाऊंगी अपने पति को। अपने भांजे बादल के पास पहुंची, बादल ने कह दिया मामी अभी हमारे घराने में, अभी हमारे इस दुनिया में मर्द जिंदा है, जिस दिन मर्द नहीं रहेंगे उस दिन औरत को लड़ना पड़ेगा, अभी युद्ध करने की जरूरत नहीं है आपको। बादल गया अपने मामा को छुड़ाने के लिए, बादल को भी धोखे से मार दिया, राणा रतन सिंह को भी धोखे से मार दिया। फिर अलाउद्दीन ने चिट्ठी लिखी कि पद्मावती तेरा आशिक तुझे लेने के लिए आ रहा है, तैयार रहना। घबरा गई पद्मावती कि अब तो ना तो मेरा पति, ना ही कोई मेरा साथी, ना ही कोई मेरा हिमाती, अब वो नीच मुझे लेकर जाएगा। प्रेमी श्रोताओं, वो पद्मावती अपनी संगी सहेलियों को लेकर एक हवन कुंड खुदवाती है और उस हवन कुंड में कूद कर अपनी जान दे देती है। प्रेमी श्रोताओं, उधर से अलाउद्दीन खिलजी खुश होते हुए आ रहा है, कह रहा है कि आज तो पद्मावती मेरी हो जाएगी। दरवाजे पे एक बुढ़िया बैठी हुई थी, जाते ही अलाउद्दीन खिलजी ने जोर से लात मारी बुढ़िया को कि कहा कि उठ बुढ़िया, कहाँ है मेरी पद्मावती बता। रोती रोती बुढ़िया हमन कुंड की तरफ इशारा करती है कि वहां है तेरी पद्मावती, जाकर देख ले। अलाउद्दीन खिलजी ने जाकर देखा तो रानी पद्मावती की चिता जल रही थी। प्रेमी श्रोताओं, जोर जोर चिल्लाने लगा कि तूने अच्छा नहीं किया, अरे तेरे लिए मैंने किस किस को नहीं मारा, क्या क्या नहीं किया, फिर भी तू मुझे छोड़कर चली गई। फिर बुढ़िया के पास पहुंचा, कहने लगा रानी पद्मावती तो मारी गई लेकिन मेरे प्यार में दो शब्द तो कहकर गई होगी, मेरे लिए कुछ संदेशा तो लिख कर गई होगी। बुढ़िया कहती है हाँ, अगर तू सुनना चाहता है तो सामने दीवार है, उस दीवार पे जाके पढ़, तेरे लिए एक संदेशा छोड़ कर गई है और वो संदेशा आप सभी को अच्छा लगे तो पूरा पंडाल रानी पद्मावती के लिए तालियों से गूंजना चाहिए। उस दीवार पे लिखा हुआ था प्रेमी श्रोताओं, पद्मावती लिख कर गई थी उस खिलजी के लिए कि तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, कि तू लाख कोशिश कर ले खिलजी, मुझे कभी पा नहीं सकता और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। अरे वो थी हमारी छत्रानी पद्मावती, वो थी हमारी पतिव्रता पद्मावती और आज फिल्मों में उसको नचनिया बनाया जा रहा है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। प्रेमी श्रोताओ, क्या लिखा दूसरी लाइन है, भारी धूम मचाई, भारी धूम मचाई, हर भगत सिंह ने हंसते हंसते गल में फांसी खाई, हर खाई हो रहे थे बलिदान देश पे मात पिता और भाई, मात पिता और भाई, हर फेर हिंद में चाल पड़ा रे, फेर हिंद में चाल पड़ा रे, कफन बांध लिया सर के, हो आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। हा, हा।
तो ठीक लग रही है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। की बताया कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन, और जगमगा रही है उनकी हवेलियां, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन, शहीदों का बेच करके खा गए शहीदों का कफन। दूसरी तीसरी लाइनों में कवि ने क्या लिखा आइए बोला। बहुत अच्छी, अंग्रेज बना के टोली, अंग्रेज बना के टोली, हर इंकलाब का नाम ले लिया, मार रहे थे बोली, हरा बोली, राजगुरु सुखदेव ने आके देश की निंद्रा खोली, देश की निंद्रा खोली, माता की जय नहीं बोलूंगा। हैदराबाद का सांसद है वो ओबेसी, बड़े संसद में कह दिया कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे जो इंसान इस देश का नमक खाता हो, जो इंसान इस देश की धरती पे रहता हो और फिर भी ये कह दे कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दो मैं जय नहीं बोलूंगा भारत माता की, क्या ऐसे इंसान को देश में रहने का अधिकार है? नहीं है। चार पंक्तियां रखूंगी आप सभी के बीच में, अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी। बड़े अच्छे कवि हुए मुस्लिम समाज के, उन्होंने इन लाइनों को लिखा और कहा कि ओबेसी तूने कहा और हमने सुन लिया। गौर से सुनना जरा कि तूने कहा सुना हमने, कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल के सुन ले तू, कि तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल के सुन ले तू, सुन सुन ओ गद्दार ओबेसी कान खोल के सुन ले तू, रे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, रे तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, रे तूने हिम्मत कैसे की मेरी माँ की जय नहीं लगाने की। तालियां अभी नहीं, तालियां अगली दो लाइनों में, कि तुमको शायद इस हरकत पे शर्म नहीं है आने की, रे तूने हिम्मत कैसे की मेरी माँ की जय नहीं लगाने की। जिस दिन भारतवासी संसद में, जिस दिन भारतवासी संसद में शिव शंकर बन के डोलेगा, और तू तो क्या ओबेसी, तेरा अब्बा भी वंदे मातरम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा। अरे तू नहीं जानता हम हिंदुस्तानी है, जिस दिन अपनी पे आ गए ना, तेरा अब्बा भी पड़ा पड़ा वंदे मातरम बोलेगा। अंतिम लाइनों में क्या लिखा बोला, अंग्रेजों के घोड़े, अंग्रेजों के घोड़े, हर जबर फौज थी अंग्रेजों की, हिंदुस्तानी थोड़े, हर थोड़े,
माँ के बंधन तोड़े, तेरे माँ के बंधन तोड़े।